सो हम देखते हैं बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर टू के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें से 70-80% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो हम देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये है कि डिस्कस द लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, कि हमें इंडियन पॉलिटिक्स को जो स्टडी करना है उसके लिए लिबरल अप्रोच को बताओ कि लिबरल अप्रोच क्या है। फिर ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि इवेल्युएट द आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ द लिबरल फेज, कि हमें लिबरल फेज के आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को इवेल्युएट करना है इन द नेशनल मूवमेंट में, कि नेशनल मूवमेंट में आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है लिबरल फेज का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि डिस्कस द अंडरलाइन फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल, कि हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को डिस्कस करना है और किसके रेफरेंस में डिस्कस करना है, प्रीएम्बल के रेफरेंस में डिस्कस करना है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि एग्जामिन द चेंजिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल चेंज हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर उसको हमें एग्जामिन करना है, उसको हमें बताना है। तो ये हमारे चार क्वेश्चंस हो गए जो एग्जाम में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये है कि कंपेयर द नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया विद रेफरेंस टू कनाडा, कि हमें इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है उसको कनाडा के फेडरलिज्म से कंपेयर करना है। तो ये हमारे पांच क्वेश्चंस हो गए। फिर सिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस द एमर्जिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया इन अ कोएलिशन इरा, कि हमें पार्टी सिस्टम जो इंडिया के अंदर फॉलो हो रहा है, जो एमर्ज हो रहा है, उसको डिस्कस करना है कोएलिशन इरा के अंदर। तो ये हमारे छह क्वेश्चन हो गए। सेवंथ क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि वर्ड अकॉर्डिंग टू यू आर ह्यूमन राइट्स, की ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, आप ह्यूमन राइट्स से क्या समझते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। हमें इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है, किसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। तो ये हमारा सेवंथ क्वेश्चन है। फिर एट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये है कि वट आर द मेजर चैलेंजेस टू द सेक्युलर करेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट इन रिसेंट टाइम्स, की हमारी जो सेक्युलर करेक्टर है इंडियन स्टेट का उसमें क्या मेजर चैलेंजेस आए हैं रिसेंट टाइम के अंदर, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे आठ क्वेश्चन हो गए। फिर नाइन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि इंडिया इज मूविंग फ्रॉम सोशलिज्म टू फ्री मार्केट इकोनॉमी, की जो इंडिया है वो सोशलिज्म से फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरह मूव कर रहा है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, अगर करते हैं तो रीजन दीजिए, अगर नहीं करते तो उसका भी रीजन दीजिए। तो हमारे नौ क्वेश्चन हो गए। फिर एक टेंथ क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, इसके अंदर वो पूछता है कि शॉर्ट नोट लिखना है हमें, तो ज्यादातर जो शॉर्ट नोट आता है वो आता है पहला कि राइट टू लिबर्टी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, सेकंड आता है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, फिर वुमेन्स मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में बताइए, और रोल ऑफ गवर्नर क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन है, इसमें से ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं।